सेल्फ एफिकेसी एंड लर्निंग सेल्फ एफिकेसी एंड लर्निंग का आपस में गहरा ताल्लुक़ है जैसे हमने पहले बात की कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो दीज आर द बिलीव्स डेट स्टूडेंट्स हैव अबाउट दैम सेल्फ एफिकेसी सिर्फ स्टूडेंट ही की नहीं होती बल्कि टीचर्स की भी होती है क्लासरूम में और तमाम इंडिविजुअल्स जिनका ताल्लुक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन से होता है सब की सेल्फ एफिकेसी ज़रूर होती है हम चूँकि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम सेल्फ़ एफिकेसी का जिक्र स्टूडेंट्स के हवाले से करेंगे और ये देखेंगे कि सेल्फ एफिकेसी जो है जो बिलीफ सिस्टम्स हैं स्टूडेंट्स के वो कैसे उनकी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स की अगर सेल्फ़ एफिकेसी अपने बारे में बहुत लो होगी बहुत निचले दर्जे की होगी तो वहाँ पर जो पढ़ाई है वो वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगी स्टूडेंट्स इफ़ हैव लो सेल्फ एफिकेसी ऑफ देम दे विल नॉट बी एबल

particular feature of their personality. Ba students, jo hai, they think very low of themselves. They might be able to perform better in the classrooms or they might have the potential to do much better in classrooms, behaviorally as well as academically. However, they have low self-efficacy. They do not believe in themselves. they do not believe in their own potential. and because of that, दे बिहेव इन ऑड मैनर्स इन द्लास रूम तो इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है बाज़ात जो तलब इल्म है वो नालायक नहीं होता उसका अपने बारे में यह ख्याल होता है कि वो अच्छा कर ही नहीं सकता और उसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो एक्डेमिकली भी जो है वो गलत परफॉर्म कर जाता है और उसके साथ साथ वो ऐसे रवैयों में जो है इन्वाल्व हो जाता है जो कि क्लास के लिहाज से इनप्रोप्रिएट और अनएक्सेप्टेबल होते हैं तो सेल्फ एफिकेसी और लर्निंग जो है इसका आपस में गहरा ताल्लुक़ है और इसमें होता यूँ है कि स्टूडेंट जो है अगर उसको कोई थोड़ा सा भी चैलेंज दे दिया जाता है तो चूंकि उसका अपने बारे में ये ख्याल होता है कि मैं तो ये नहीं कर सकता या कर सकती ही और शी गिव्स अप विदाउट ट्राइंग कोई भी टीचर जो है वो ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट जो है वो ट्राई किए बगैर एफर्ट किए बगैर गिव अप कर दे सो अ क्लियर साइन ऑफ ऑफ लो सेल्फ एफिकेसी इज दैट स्टूडेंट्स विल गिव अप द टास्क एट द्लाइटेस्ट साइन ऑफ डिफिकल्टी सो प्लीज हेयर द रोल ऑफ द टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर यू हैव टू ब्रिंग इन द एम्पेथेटिक द केयरिंग द हेल्पफुल एटीट्यूड इन योर पर्सनैलिटी एंड हेल्प द स्टूडेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्टूडेंट्स की जो सेल्फ एफिकेसी है उसको बढ़ाएं और उनको ये बताएं कि आप जो हैं इससे बेहतर कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर एक्डेमिकली और बिहेवियरली जब गलत परफॉर्म करेंगे तो फिर अगेन इट कम्स एज अ बैरियर टू देयर लर्निंग लर्निंग एज फार एज द एकेडमिक साइड ऑफ देयर वर्क इज कंसर्न एज वेल एज साइड ऑफ देयर वर्क इज कंसर्न तो हमारा ये काम है हमारी ये जिम्मेदारी है हम इन स्टूडेंट्स के साथ इन तलबा के साथ जो हैं वो बहुत क्लोजली काम करें और उनको बेहोरियली साउंड बनाएं इसलिए जो सेल्फ़ एफिकेसी है वो डिपेंड भी करता है कि स्टूडेंट्स के सोशल और एकेडमिक एक्सपीरियंसेस माजी में क्या रहे हैं अगर उनका माजी का तजर्बा किसी उस्ताद के साथ अच्छा नहीं रहा और अगर उस्ताद जो है वो बहुत सख्त रवैये के साथ पेश आया है तो स्टूडेंट बाज़ोकात जो है वो डिप्रेशन में जाकर लो सेल्फ़ एफिकेसी का शिकार हो जाता है और इसलिए वो अगली क्लास में बेहतर परफॉर्म नहीं करता इसी तरह अगर उसके कोई सोशल एक्सपीरियंसेस माशरे में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस का उनको उसको सामना करना पड़ा है जिससे उसको कोई धचका लगा है तो उससे भी जो स्टूडेंट है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है और ही और शी लूजिस कंट्रोल ऑन ऑन द कॉन्फिडेंस पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी और उससे भी सेल्फ़ एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है सेल्फ एफिकेसी और लर्निंग का आपस में गहरा ताल्लुक है और कोशिश करें कि जो तलब इलम है उनको ये बताएँ कि डिवेलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज़ इम्पॉर्टेंट